अजेंडा 21 के अंदर बेसिकली यहाँ पर सिंपली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जहाँ पर सारे देश के जो लीडर्स हैं वो गए थे, और वहाँ पर उन लोगों ने जो हमारे एनवायरनमेंट का डिप्लीशन हो रहा है, जो खराब हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, और हमारे को जो इस तरह का डेवलपमेंट चाहिए कि आगे जा करके हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, वो खराब नहीं हो जाए, इस तरह के जो टॉपिक्स थे उनके उनके लिए यहाँ पे उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। और उसमें उन्होंने कुछ जरूरी स्टेप्स जो है वो मेंशन करे थे कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आगे जा करके हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर पाए, ठीक है, कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक सस्टेनेबल तरीके से, सही तरीके से हम इस रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऐसा डेवलपमेंट करें कि आज भी आज के जो रिसोर्सेज है वो आज की जरूरतें भी पूरी करें और साथ साथ आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी जरूरतें पूरी करें। बेसिकली यही बोला गया था इसमें। मैम, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? Yes. किसी और को कोई दिक्कत? Yes. आगे बढ़े, अब रिसोर्स प्लानिंग पढ़े। Yes, मैम. ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमने ये शुरू कर दिया था और इसके हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए थे। वापस से मैं आपको एक रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। पहला था आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हमें पता लगाना होता है कि कहाँ पर कैसे हमारे पास में रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री के एरिया में और कितने अमाउंट में है। ये चीजें होनी थी। उसके अंदर इंक्लूडेड था सर्वेइंग, मैपिंग, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। वही चीज कि कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है, उस कितने अमाउंट में है और उसकी क्वालिटी कैसी है और उस रिसोर्सेज का मेजरमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सेकेंड स्टेप था इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है कि कितने हमारे पास में प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है यानी कि कितनी कौन सी चीज को निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, कौन सा स्किल वहाँ पे रिक्वायर्ड है, किस तरह के इंस्टीट्यूशन हमें वहाँ लगाने पड़ेंगे कि हमारी ये सारे जो डेवलपमेंट प्लान है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाए, यानी कि वो चल पाए वहां पर, ठीक है, काम कर पाए। अब है थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि जितने भी हम रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान्स हम छोटे लेवल पे जो चालू कर रहे हैं वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के नेशनल लेवल पे जो प्लान्स हैं उनसे मैच करते हुए होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का काम जो है वो इस तरीके से चले कि हैंड इन हैंड दोनों ही एक दूसरे के लिए यूजफुल हो। ये था थर्ड पॉइंट। अब है इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ था, जब हमारे को आजादी मिली थी उसके बाद में हमारे देश ने जो काम करना शुरू करा था अपनी खुद की, उन्होंने जब गवर्नमेंट उन्होंने अपने हाथों में लिए, अपना सारे ऑफिसेज लिए और अपनी गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए और फिर उसके बाद में एक सरकार आई, सरकार बनी, उसके बाद में क्या हो रहा था, देश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस समय में, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इलिटरेसी थी, यानी कि लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, और उसके साथ साथ काफी चीजें ऐसी थी जो जिनको जरूरत थी कि उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी था सरकार का। तभी उन्होंने ना एक प्लान शुरू करा था एंड दैट वॉज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, इस नाम से उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करा था जो कि हर 5 साल के अंदर उनको उन्होंने एक एक टारगेट लेके चलना था कि पहले 5 साल में हम इस चीज पे काम करेंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, दूसरे 5 साल में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे काम करेंगे, इस तरीके से चीजें उन्होंने बांट रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया जो है तब से ही बहुत अपने एफर्ट्स लगाते हुए अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जब से ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुए थे हमारी आजादी के बाद, तब से ही वो कोशिश कर रहा है कि हमारे देश के जितने भी रिसोर्स प्लानिंग है प्रॉपरली हो और हमारे गोल्स जो है वो अचीव हो पाए, ठीक है, ये तब से ही चल रहा है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाले पैराग्राफ के अंदर और इस 3-4 लाइन के अंदर? नो मैम। अब है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन।
but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. अब क्या होता है, किसी भी जगह पर resources का available होना तो जरूरी है वहां पर अगर हमें development कराना है, लेकिन अगर वहां पर बहुत कम availability है, mere availability यानी कि बहुत नाम मात्र availability है resources की, और proper वहां पर हमारे पास में technology नहीं है या हमारे institutions नहीं है, तो वो क्या एक हिंडर यानी कि एक ऑब्स्टिकल की तरह हो जाते हैं डेवलपमेंट के बीच में, यानी कि एक बाधा की तरह हो जाते हैं जहां पे हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाए. सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वहां पे आपको डैम बनाना है, ठीक है. पहली बात तो वहां पे डैम बन नहीं सकता क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है. दूसरी बात, वहां पे आपको प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, और दूसरी चीज वहां पे आपको टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग बाग पढ़े लिखे कम है, ठीक है, तो स्किल नहीं है, फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए हैं जिससे जो इस चीज को सॉर्ट आउट कर पाए. तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा कि वहां पे चीजें हैं नहीं प्रॉपर. ये तो एक थोड़ा सा वेग आपको मैंने दिया है एग्जाम्पल. दूसरी चीज, सपोज जैसे अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि वहां पर रोड्स और रेलवेज और इतने ज्यादा वो डेवलप्ड उसमें नहीं है. वहां पर वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन ये चीजें नहीं है. तो वो इस तरह का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जहां पर रिसोर्सेज तो अवेलेबल है या थोड़े अमाउंट में भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है या इंस्टीट्यूशन नहीं है. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. There are many regions in our country that are in rich resources, but these are included in economically backward regions. यहाँ पर कुछ ऐसे region भी है हमारे देश के अंदर जहाँ पर resources तो बहुत है लेकिन अगर economically देखा जाए तो वो बहुत ही backward है, यानी कि आर्थिक रूप से देखा जाए तो वो बहुत ही पिछड़े हुए areas हैं. On the contrary, there are some regions which have a poor resource, but they are economically developed. कुछ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे regions भी हैं जहाँ पे resource तो बहुत कम है लेकिन वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों ही तरह की बात बताई गई है. कुछ ऐसे region है जहाँ पे resources तो हैं अच्छे लेकिन वहां पर वो backward regions के अंदर आते हैं economically, यानी कि आर्थिक रूप से. और कुछ ऐसे regions हैं जो वहां पर resources की कमी है लेकिन वो आर्थिक रूप से काफी developed है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजंस एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजंस, गिव रीजंस फॉर सच अ सिचुएशन. ये आपका एक छोटा सा टास्क दे रखा है जिसमें आपको यही चीज बतानी है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ, कौन से एरिया के अंदर बहुत कम है लेकिन वहाँ की जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही साउंड है, डेवलप्ड है, और कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई दिक्कत, जो भी पढ़ाया अभी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम. ठीक है. अब है, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर फॉरेन इन्वेडर्स. अब क्या होता है, ये कॉलोनाइजेशन, आपने ये टर्म पहले पढ़ी है. कॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं हम? मैम ब्रिटिश रूल. वेरी गुड. ब्रिटिश रूल को कहते हैं जब वो लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, वैसे बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके लिए भी ये टर्म बोली जाती है. वो लोग जब दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर जा रहे थे और वहां की कंट्रीज को अपने अंडर ले रहे थे, उस चीज को बोला जाता है कॉलोनाइजेशन, क्योंकि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस वहां पे लगा रहे थे और अपने तरीके से चीजों को चला रहे थे. तो बेसिक ये जो हिस्ट्री से चीजें हो रही थी, इनका एकमात्र पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि क्यों ये हमारे देश में आए और आकर के उन्होंने यहाँ पे घुसपैठ करी और फिर उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, यानी अपना रूल जमाया, और उसके बाद में वो यहाँ पे प्रोसेस करने लगे चीजें सारी. इसका मेन कारण ही यही था कि जिन भी जगहों पे वो जा रहे थे वो रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच थी, यानी कि बहुत अच्छे अमाउंट में वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इसीलिए उन्होंने कॉलोनीज वहाँ पे बनाई और यही उनका मेन कारण था फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि फॉरेन के जो घुसपैठिए थे उनका मेन मतलब रीजन यही था कि वो वहां जाकर के रूल क्यों कर रहे थे, कॉलोनीज क्यों एस्टेब्लिश कर रहे थे. It was primarily the higher level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई
कि वहां पर उनका प्राइमरी मेन उद्देश्य ये था कि उनके पास में अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी थी. जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आगे जाकर के सबसे पहले डेवलपमेंट जो है यूरोपियन कंट्रीज में ही हुआ था. ठीक है, वहां पर ही टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए वो लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि कहाँ पे कौन सी कंट्री के अंदर, अगर उनको मालूम पड़ता था कि यहाँ पे ये वाला रिसोर्स अच्छा है या मिनरल्स अच्छे हैं या यहाँ पे दूसरी चीज अच्छी मिल रही है, फसल फ्यूल्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो वहां जाकर के क्यों बसते थे और वहां पे कॉलोनीज इसीलिए बनाते थे कि वहां पे उनके पास में टेक्नोलॉजी थी और वो उस जगह को एक्सप्लॉइट करते थे, यानी पूरी तरह से नष्ट करते थे उस रिसोर्सेज को, अपने तरीके से यूज करते थे और वो रिसोर्सेज अपने फायदे के लिए यूज करते थे और अपनी जो उनकी सुप्रीमेसी थी कि हम सबसे सुप्रीम है, वो चीज एस्टेब्लिश करने के लिए करते थे. ठीक है, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, सिंपली यही कारण था. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसीलिए resources जो हैं development में तभी contribute कर सकते हैं जब उनके साथ में proper technological development हो, यानी technology हो और institutions हो. India has experienced all this in different phases of colonization. India ने ये सारी ही चीजें जो हैं experience करी हैं अलग अलग colonization के अलग अलग phases में, यानी अलग अलग time में. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of India. यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है इंडिया के लिए डेवलपमेंट आम तरीके से देखा जाए या रिसोर्स डेवलपमेंट देखा जाए कुछ पर्टिकुलर चीजों के तरीके से, यहाँ पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास में कितनी टेक्नोलॉजी है और हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो हमारे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज पर असर डालते हैं. अब आप पूछेंगे कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. ह्यूमन रिसोर्स मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि इंसान जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, उनको भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है. कि यहाँ पे सपोज आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया और वहां पे आपको बोला जाए कि आपको इन लोगों को लेकर के कुछ काम करना है, तो सबसे बेसिक चीज ये देखी जाती है कि वहां पे लोग बाग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने वो हुनरमंद हैं, क्या उनके पास में स्किल्स हैं, कितनी उनकी लिटरेसी है, क्या उनके पास में एजुकेशन है, वो चीज. तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज की एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर ये चीजें देखी जाती हैं और उनका यूज लिया जाता है. अब सपोज किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां के लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो उनके पास में नॉलेज अच्छी होगी, वो अपने देश की भलाई के लिए और अच्छे से योगदान देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और फिर उनका देश आगे बढ़ेगा. तो वही चीज जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के उसमें देखी जाती है और यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बोला गया है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसा है उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है हमारे देश के डेवलपमेंट पर. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए. बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. इस लाइन को मार्क कर लेंगे आप. रिसोर्सेज का एक irrational तरीके से कंज्यूम करना, उसको properly यूज ना करना, ठीक है, कोई rationalization नहीं किया कि किसको कितना देना है कितना नहीं देना है, बस अपने हिसाब से जब इच्छा के अनुसार करे जा रहे हैं यूज और ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ठीक है, अब ये कैसे आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट. इन प्रॉब्लम्स से ऊपर उठने के लिए हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना होता है अलग अलग लेवल्स पे. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. और यही main कारण रहा है जो पुराने जमाने में leaders और thinkers रहे हैं, उनका main concern यही रहा है कि हमारे पास में so and so इतने resources हैं, तो हमें उसको किस तरीके से conserve करते हुए चलना है कि आने वाली generation जो है वो भी use कर पाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज
words, there is enough for everybody's need and not for for anybody's greed. अब यहाँ पे इन्होंने गांधी जी जो है वो बहुत इन्होंने सही बात कही थी. उन्होंने अपना कंसर्न उठाया था, वॉइसिंग इज कंसर्न, यानी कि अपना कंसर्न उठाते हुए बोलना. ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए उन्होंने इन शब्दों का यूज किया है कि यहाँ पर हर किसी की जरूरतों के लिए काफी है लेकिन किसी लालची की जरूरतों के लिए कम है. ठीक है, नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, यानी कि जो लालची लोग होते हैं उनकी तो ग्रीड कभी खत्म होती नहीं है, तो उनके लिए तो कोई चीज कभी काफी पड़ेगी नहीं, पूरी पड़ेगी नहीं. वो चीज उठाते हुए उन्होंने कहा है यहाँ पर. इसको भी मार्क कर सकते हैं आप. He plays the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. इन्होंने कहा कि यहाँ पे लालची और selfish individuals जो हैं या जिनका nature ही इस तरह का है कि वो पूरी तरीके से modern technology का use करते हुए resource को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, उन चीजों को उठाते हुए, उन्होंने उन points को उठाते हुए एक ये अपनी बात जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी रखी है, ग्लोबल लेवल पे भी रखी है. He was against mass production and wanted to replace it with the production of by the masses. उनका मानना था कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से खिलाफ थे कि एकदम मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने की बजाय ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज में अपना योगदान दें. रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी बहुत सारे लोग मिलकर के चीजें बनाए. मास प्रोडक्शन से क्या होता है, एक अथाह में चीजें बना लेते हैं और फिर उसके बाद में काफी तो यूज होती है और काफी ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तो यूज हो ही रहे ना. यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये था कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर के उतनी ही चीज बनाए जितनी जरूरतमंद है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. नो मैम. ओके. Okay, अब है at the international level the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. International level पर Club of Rome जो है उन्होंने resource conservation की point बात उठाई थी पहली बार एक systematic तरीके से 1968 के अंदर. Subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. और दूसरी तरफ दोबारा से 1974 के अंदर गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको दोबारा से आवाज दी गई Schumacher के द्वारा. अपनी एक उन्होंने किताब लिखी थी Small is Beautiful नाम से, उसमें भी ये पॉइंट उठाया गया था. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland कमीशन रिपोर्ट 1987. और उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए दोबारा से रिसोर्स कंजर्वेशन की बात उठाई गई थी ग्लोबल लेवल पर ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर 1987 के अंदर. अब ये यहाँ पे नाम दे रखे हैं तो इनका मीनिंग आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे ब्रंडटलैंड और शूमाकर ये नाम है. यस हु सेड मैम? I will not wait for you. Come on, speak up. Students, please don't interrupt in between while I'm teaching because flow टूट जाता है. जब मैं आपसे पूछूं कि आपको दिक्कत आई है तो प्लीज तब अपनी क्वेरीज बोल दीजिए. The seminal contribution with respect to the resource